जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हम 26 जनवरी के लिए बहुत अच्छा एक पैम्पलेट लाए हैं। तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों, और एक और बात बता देता हूँ, हम इस वीडियो में दो ऐप का यूज़ करेंगे। ये जो हम पहले जो ये कर रहे हैं ये पिक्सार्ट ऐप है, इसके अलावा एक पिक्सिबल है, उसमें हम टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा। तो दोस्तों पहले क्या करना है हमको, फ़ोटो एट ले लेना था, मैं एट फ़ोटो में चले जाता हूँ, ले लेता हूँ फ़ोटो। तो दोस्तों हमने फ़ोटो ले ली, अब इसको साइज़ फुल करके हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। ये पूरा हमने कर दिया, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों। और रेटिनेशन पे क्लिक कर दो, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों, आपको बिना टाइम वेस्ट किए। अब इसके बाद क्या करना है, हाँ दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, अब हमको यहाँ का बॉर्डर पर जाना है। दो तीन स्टेप में बता दूँगा, पूरा आपका पैम्पलेट बन जाएगा। इसको आउटर को कम कर लेना है, इनर को हमको 2 पॉइंट और इनसाइड कर लेना है। इनसाइड करने के बाद आपको 3 पॉइंट पर ले जाना है, 3 पॉइंट पर, और राइट निशान पे क्लिक कर देना है। ये आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका एक बैकग्राउंड भी क्लियर हो चुका है, बॉर्डर भी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हाँ दोस्तों इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अब इसके बाद हमको एक फ़ोटो लेना है, जो हम ये दोस्तों मैंने फ़ोटो ले ली है। अब इसको फ़ोटो को मैं एडजस्टमेंट करके पहले तो उसको फुल साइज कर लेता हूँ और रेजर में चले जाता हूँ। पहले इसको मैं साइड में करके पहले रेजर कर लेता हूँ। इसके तो हो जाने के बाद आपको रेजर पे क्लिक करना है और साइज को थोड़ी बड़ी करना है और हार्डनेस को कम करना है दोस्तों, हाँ हार्डनेस को कम करना है जितना हो सके। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करना है जैसे हम फेदर दे रहे हैं फ़ोटो को, इस साइज को हमको देना है ताकि बढ़िया लगे। उसके बाद साइज को छोटी करना है और यहाँ सेट कर देना है, थोड़ी जूम करो तरीके से, परफेक्ट लगा दो। इतना हो चुका है दोस्तों, पूरा आपका वीडियो पूरा तरीके से बन भी चुका। तो दोस्तों ये हो चुका है कंप्लीट द वर्क। फिर इसके बाद हम टेक्स तो उधर लिखेंगे, मगर एक PNG का मैंने जो यूज़ करा है उसको PNG को भी लगा देता हूँ। अब ये फ़ोटो हमने जो ली, अब इसको ब्लेंड में जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मैं साइज को छोटी कर देता हूँ। हमारा यहाँ से तो पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, हाँ इधर से पूरी कोई दिक्कत नहीं, बस हमको अब पिक्सिबल ऐप में ही जाना है। प्ले इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हो चुका है, अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हाँ दोस्तों पूरा और देखना। अब इसके बाद हम इसको पहले सेव कर लेते हैं क्योंकि हम पिक्सिबल में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसको सेव करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले सेव कर लूँ ड्रॉ में जाके और ये 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और सेव कर दूँगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, पिक्सिबल ऐप में चले जाना है। तो पहले मैंने इसको ऐप में भी आ चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, पूरा अब तो देखना जरूरी पड़ेगा आपको, क्योंकि अब इसके बाद हम टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। तो टेक्स्ट को प्रयोग करेंगे तो हम लेयर को पहले इसको नीचे ले आते हैं, नीचे ले आने के बाद इसको डबल टैप करते हैं, फिर इसके बाद डबल टैप करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम आप भी को बस इतना लिखना है, ओके कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, नीचे रोटेट रुक जाएगी, इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना है और फंड सब चले जाना है और रिसेंट टैप चले जाना है। रिसेंट टैप चले जाने के बाद नीचे आपको आना है, ये हमने जो बोल्ड लिया है फंड, इसका वीडियो भी लाने वाला हूँ दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं मैं लाऊँगा इसका वीडियो। तो इसके बाद हम कलर ले लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं कलर, हम इसको ब्लैक कलर देंगे ये वाला, और राइट निशान पर क्लिक कर देंगे। ये दोस्तों हमारा इतना कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर टेक्स्ट में जाएंगे, डबल देते हैं, गणतंत्र दिवस लिख देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट में, तंत्र ये लिख दिया और डन कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसकी साइज को हम फुल कर लेते हैं साइड का, और इसको हम फ्रंट से देंगे तो कहाँ में जाएंगे, हम ए बी फ्रंट से में चले जाएंगे और इसके बाद रिसेंट में चले जाएंगे, और रिसेंट के बाद नीचे जाना है आपको, यहाँ पर चेक करना है कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है आपके। तो मैं देख लेता हूँ, ये बेस्ट लग रहा है, पहले ये वाला बेस्ट, हाँ ये लग रहा है। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे रोटेट कर देता हूँ और उसको कलर में दूंगा ऑरेंज कलर दूंगा दोस्तों, ऑरेंज कलर दे दूंगा और राइट निशान पे क्लिक कर दूंगा। ये
इतना हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं, फिर डबल टैप से कर लो और फिर डबल टैप कर लो, फिर यहाँ लिखना दिवस, गणतंत्र दिवस की दिवस दिवस लिखना और डन कर देना, ओके कर देना। उसके बाद मैं इधर रोटेट कर लूँ तो इसको भी हम कौन सा कलर देंगे दोस्तों, पहले इसको फंड से चले चेंज कर लेते हैं हम। फंड से हम रिसेंट में जाएंगे और ये वाला ले लेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद साइज को फुल करेंगे और इसका मैं कलर में चॉइस करूँगा ऑरेंज, ऑरेंज कलर कर दूँगा। राइट कैंड साइड पर क्लिक कर दूँगा, टैप कर दूँगा सेट में। ये हमारा पूरा मतलब इस साइड से मतलब वन स्टेप तक कम्प्लीट हो गया। फिर डबल टेक से जाएंगे, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, कि हार्दिक बधाई, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ नीचे ले आएंगे और जो हमने आप सभी को जो फंड्स दिया था वही वाला फंड्स हमको उसमें भी देना है। तो मैं रिसेंट पर चले जाता हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही वाले, तो मैंने कौन सा यूज़ करा था, ये वाला यूज़ करा था, ओके कर देता हूँ। उसको कलर हम ब्लैक वाला कलर देंगे दोस्तों, तो देख लेते हैं ब्लैक कलर। ब्लैक ग्रीन कलर भी दे सकता था मगर वो दिखता नहीं इसके कारण, तो मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और इसकी साइज को हम थोड़ी छोटी कर देते हैं। ये दोस्तों हमारा पूरा परफेक्ट तरीके से बन गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, शेडो भी दे सकते हैं। तो शेडो किस तरह से, शेडो का ऑप्शन आता है, वाइट का नहीं हम वाइट का देंगे यहाँ पर, और राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे, फिर इसको भी क्लिक करेंगे, फिर इनेबल कर देंगे। सभी को हमको देना है दोस्तों, बहुत अच्छा ऐप है दोस्तों ये भी, फिलहाल में टैक्स के मामले में बहुत बढ़िया मेरे को ऐप लगा ये वाला तो। और ये हमारा पूरा पंपलेट बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और सेव आस इमेज पे क्लिक कर देंगे और इसे सेव टू गैलरी कर देंगे। और दोस्तों एक बात कहता हूँ, जो आपको आइटसेट जो ये बैकग्राउंड जो आ रहा है इसको क्रॉप भी कर सकते हो दोस्तों। इसमें ये ऑप्शन नहीं आता कि फोटो हमारे आए मगर बैकग्राउंड को भी आप हटा सकते हो दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। और अगले वीडियो हम मिलते हैं और गणतंत्र दिवस की ही वीडियो लाऊंगा दोस्तों, पंपलेट बनाऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।